प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। राहुल, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि बहन सोनिया जी को कांवड़ यात्रा पर ले जा रहे हो, और तुम्हारे साथ भी हम सब लोग भी कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं। अब तुमने देखो एक ऐसी कांवड़ बनाई है जिसकी एक तरफ पालकी में बहन सोनिया जी बैठी हुई है, दूसरी तरफ मेरी तरफ शिवलिंग है। अब हम सब लोग मिलकर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी, शिवलिंग की साइड में आप कभी कंधा लगाकर कुछ दूर चलते हो तो कुछ दूर अखिलेश जी चलते हैं, और कुछ दूर लालू जी चलते हैं, और शिवराज सिंह जी भी चलते हैं। हम सब लोग मिलकर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन मम्मी जी की साइड में मैं ही कंधा लगाकर चलता हूँ। मम्मी जी की ख्वाहिश थी कि मैं कांवड़ यात्रा पर इनको लेकर जाऊं, और मैंने आप सब लोगों से पूछा कि एक साइड में कांवड़ में मैं मम्मी जी को बैठा लेता हूँ और दूसरी साइड में शिवलिंग को लेकर चलते हैं। आप सब लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा ही करते हैं। इस तरीके से हम सब लोग मिलकर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी, कहीं पर आप थोड़ी देर रुक लेते हैं, काफी देर से हम लोग लगातार चले जा रहे हैं, मेरे थोड़े से पैर दर्द करने लगे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं कहीं रुक कर। अरे नहीं मोदी जी, चलते चलो, फालतू में रुकने का कोई फायदा नहीं है, जितनी जल्दी हम लोग चलते रहेंगे उतनी जल्दी हरिद्वार पहुंचेंगे। हाँ मोदी जी, अगर आप थक गए हो तो शिवलिंग को लेकर मैं थोड़ी दूर चलता हूँ। नहीं अखिलेश, चलते रहो, मैं भी तो आराम से चल ही रहा हूँ, मुझे तो चलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। राहुल भी तो लगातार अपनी मम्मी जी को लेकर चल ही रहा है। लेकिन मोदी जी और राहुल, एक बात बताऊं, आप थोड़ा हल्के हल्के चलो, बहुत तेज चल रहे हो, हल्के हल्के आराम से चलो, ये पालकी बहुत ज्यादा हिल रही है। मैं कब से कांवड़ यात्रा पर जाने के बारे में सोच रही थी, राहुल तुम्हारी वजह से आज मैं कांवड़ यात्रा पर जा रही हूँ। मम्मी जी, मेरी वजह से कहाँ जा रही हो, शिव जी की कृपा है तो हम सब लोग तुम्हें कांवड़ यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। राहुल ये तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल शिव जी की जब कृपा होती है तभी कांवड़ यात्रा पर हम लोग जाते हैं। सब लोग एक बार जोर से फिर से बोलो, जय बोलेगी बम बोलेगी, जय बोलेगी बम बोलेगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।